हेलो दोस्तों, जय देव, राम राम दोस्तों, मित्रों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आज मैं आपसे एक विषय पे बात करना चाहता हूँ यार। काफ़ी टाइम से सोच रहा था बोलूँ कि नहीं बोलूँ, तो आज मैं एक विषय पे बात करना चाहता हूँ यार, मोदी जी के बारे में। मोदी जी जब पहली बार जीते थे ना, तो मुझे इतनी खुशी हुई थी कि हिसाब ही नहीं है। मैंने सोचा अभी नई सरकार आई, कुछ करेगी। उसके बाद यार उन्होंने नोटबंदी की, मैंने सोचा कि बोले थे काला धन आएगा, काला धन आएगा। यार मैंने भी सोचा कि क्या नाम है, काला धन आएगा, उससे भी कुछ नहीं हुआ, उससे इवन इकॉनमी डाउन ही हुई। उसके बाद यार दोबारा इलेक्शन हुई 2019 में, तो मेरे घर वालों ने सभी ने वोट बीजेपी को दिया। तो हमने सोचा इस बारी कुछ ना कुछ, कहते नौकरियां निकालेंगे, नौकरियां निकालेंगे, कुछ नहीं निकलता भाई, कुछ नहीं। अभी बता रहा हूँ यार, हमारे यहाँ J&K में 370 तोड़ी इन्होंने 2019 में, तोड़ी ना जब अमित शाह आया। यार आपको क्या बताऊँ, यहाँ पे बिजली प्राइवेट होगी, पानी प्राइवेट हो गया, ये चीज़ें तो चल कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने 70 सालों में जो बनाया ना, वही 70 सालों में आप बेच बेच के खा रहे हो। हमने रेलवे प्राइवेट कर दिया, बिजली पानी सब कुछ प्राइवेट हो रहा है अभी। यार मेरा यही कहना है कि आपसे यहाँ पे 5 लाख की गाड़ी लोगे, 50,000 का नंबर लगेगा, आपने RBI से इतना उधार लिया कोई हिसाब ही नहीं, और PM फंड का कौन जवाब देगा? PM फंड का आपने 1 रुपये का हिसाब किताब नहीं बताया, कहाँ लगाए पैसे, कहाँ नहीं लगाए। आप कहते हो कि उन्होंने, कांग्रेस सरकार ने इतने पैसे खा दिए, इतना कुछ देश को लूट दिया, आप क्या कर रहे हो? ये भी देश को ही लूट रहे हैं। ऊपर से गोदी मीडिया, कसम से इनकी बातें सुन सुन के ना हंसी आती है। कोरोनिल पे बाबा रामदेव ने कोरोनिल दवाई निकाली है, क्योर निकाल दिया। हाँ, इंडिया हमारा नंबर, इंडिया आपने क्या नाम है, हमारे देश को वैक्सीन नहीं हुई, आप बाकी देशों को वैक्सीन भेज रहे थे, अभी क्या हालत होगी हमारे देश की? कौन जवाब देगा इसे? ऊपर जाके जवाब मिलेगा, ऊपर सबने जाना है ना, सबको एक जवाब मिलेगा। क्या कर रहे हैं ये, दूसरों देशों से ज़कात ले रहे हैं ना? ज़कात, ज़कात का मतलब पता है आपको? मैं अपने मुंह से कुछ रिवील नहीं करना चाहता यार। ऊपर से ये गोदी मीडिया, इनकी बातें सुन सुन के मुझे इतना गुस्सा चढ़ता है, और कहीं कहीं बातों पे हंसी भी आती है। इन्होंने बोला था, आपको पता है, जब इंडिया चाइना के, ये इंडिया के सोल्जर मार दिए थे इन्होंने, चाइना के भी काफ़ी मरे थे, उसकी सच्ची बात बताऊँ आपको? हैं, ये कहते हैं ना कि चीन हमारी सीमा के अंदर 1 इंच भी नहीं घुसा, तो हमारी सेना घुसी थी। हमारी सेना ने कभी किसी पे वार नहीं किया, आज तक किसी पे वार नहीं किया। ये गोदी मीडिया को प्लीज नहीं सुना करो, ये सब बकवास करते हैं। और रिपब्लिक वाले, गोदी मीडिया, India TV, पता नहीं कौन कौन से यार चैनल है, सभी ये लगे हुए हैं सरकार के तलवे चाहे। अरे कहते हैं ना बूट लिकर, ये सभी बूट लिख रही है यार, कसम से। इतना बुरा हाल है ना कोरोना की वजह से, ऊपर से इतनी GDP सब कुछ इतना डाउन हो गया, कोई हिसाब ही नहीं है यार, क्या बोलो कसम से। ऊपर से यार लॉकडाउन पे लॉकडाउन चले जा रहा है, सारे दोस्त यही कह रहे हैं, आधे मेरे दोस्त ऐसे नशेड़ी वगैरह तोड़ से मर रहे हैं, कह रहे हैं ठेके कब खुलेंगे, आधी दुनिया से मर रही है, आधी मोदी जी ने क्या नाम है ठेके बंद करके मार दी, आधी दुनिया कोरोना से मर रही है। यार दुनिया तो ऐसे खत्म हो जाएगी यार, मुझे लग रहा है यार। यार यही कहना चाहता हूँ यार, अगली बार वोट दोगे ना सोच समझ के देना यार। यार मेरी वीडियो अच्छी लगी हो यार, लाइक कर देना यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब भी करना यार, यार कम से कम 1000 सब्सक्राइबर तो हों प्लीज़ यार, आपसे मेरी हार्दिक विनती है यार, प्लीज़ यार।